क्या यार रीना, तू ऐसे गुस्सा क्यों हो रही है? तू तो प्यार है मेरा। तो तुम्हें इस प्यार की याद नहीं आती क्या? आती है ना यार, बहुत जोर वाली आती है। तो फिर तुमने मुझे नाइट में कॉल क्यों नहीं किया? अरे यार, रोहन पास में सोया हुआ था तो कैसे करता? मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे रोज बात करनी है। अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो अभी तक? साले आराम करो, स्कूल का टाइम हो गया। स्कूल क्या तुम्हारा बाप जाएगा? हाँ पापा, मतलब कि नहीं पापा, बस निकल ही रहे हैं। किसका फोन है? वो एक फ्रेंड का है, कोई होमवर्क की कॉपी के लिए पूछ रहा है। ये लो, चाहो तो बात कर लो। अरे नहीं नहीं, मेरे को बात नहीं करनी। तुम तो जल्दी से स्कूल के लिए निकलो वरना लेट हो जाओगे। हेलो हेलो मोहित, हेलो, क्या हुआ? हाँ रिंकू, स्कूल में मिलते हैं, तू होमवर्क की टेंशन मत ले। कौन सा होमवर्क? अरे साइंस वाला ही तो। अरे मैं कॉपी ले आऊंगा। अरे मुझे कॉपी नहीं चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट। अरे हाँ यार रिंकू, क्यों इतनी टेंशन लेता है? बोला ना तेरा काम हो जाएगा, तेरा भाई है ना। कौन, रिंकू है क्या? ला मेरी बात करवा उससे। हेलो मोहित, तू मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तू लेकर आएगा या नहीं, वरना मैं तुझसे ब्रेकअप कर लूंगी। क्या यार, स्कूल की छुट्टी कर लेगा? नहीं यार, मैंने बोल दिया ना तेरा काम हो जाएगा, तू बस स्कूल आ जा, बाकी सब मैं देख लूंगा। अरे ला तू इससे मेरी बात करवा। हाँ रिंकू। अच्छा मैं तो स्कूल के लिए निकल रहा हूँ, तू भी स्कूल आ जा, फिर वहीं बैठ के बात करते हैं। अच्छा तो आज तेरे को मेरी किस नहीं चाहिए, वरना रोज तो तू बहुत जिद करता है। चाहिए यार, मगर अभी नहीं चाहिए, ठीक है ना, बाद में बात करते हैं। अरे आज तू इतनी बातों को क्यों घुमा रहा है, और आज तुझे शर्म किस बात की आ रही है? तुम दोनों तो निकलो और इस रिंकू से मेरी बात कराओ। अरे रहने दो ना यार पापा, वो तो पहले ही आपसे कितना डरता है। अरे तू बात करवा। चल ठीक है रिंकू। क्या ठीक है, तुम्हें किस चाहिए या नहीं? अरे भाई चाहिए, बाद में लेते हैं ना। ओके। आजकल के बच्चे भी काम के प्रति कितने लापरवाह हो गए। हेलो, हम रोज रोज तेरी वजह से लेट हो जाते हैं यार। भाई तू कभी तो टाइम पे उठा कर। यार सुबह सुबह तो कितनी अच्छी नींद आती है, ऊपर से स्कूल जाने का झंझट। काश ये स्कूल, किताबें और पढ़ाई ऐसा कुछ रहता ही नहीं ना, तो कितना मस्त रहता। इतने भी सपने मत देख, जब तुझे पता है स्कूल तो जाना ही है तो सुबह जल्दी उठ जाएगा। कल से तू सुबह जल्दी उठ जाना, वरना मैं तेरे बिना अकेली चली जाऊंगी। देख भाई, तू इस लड़की के चक्कर में एक ना एक दिन जरूर फंसेगा। अरे तो मुझे क्या पता था यार कि पापा ऐसे अचानक आ जाएंगे। वैसे यार तेरे में दिमाग तो बहुत तेज है, रीना को रिंकू बना दिया, क्या बात है। अरे और क्या करता तो यार, अगर पापा को पता चल जाता ना कि कॉल पे लड़की है, तो वो मेरी लात घुसो वाली फिल्म बना देते। सही है भाई, ये प्यार भी कितनी कुत्ती चीज है, जाने क्या क्या करवाती है। ले आ जा, लेट हो रहे हैं। अरे अकेले अकेले स्कूल क्यों जा रहे हो? हम है ना, हम छोड़ देंगे। अरे बाइक पे चलोगे? कार वार मंगवाओ मेरी जान के लिए। छोड़ो प्लीज भैया, प्लीज मुझे छोड़ दो भैया, प्लीज। भैया भैया बोल के तो तूने हमारा दिल ही तोड़ दिया, कुछ और बोल दी ना तो तेरे को जाने देते। तो इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। क्यों? जरूर। कल मिलते हैं, मेरी चमक चल लो। भाई तू ठीक तो है ना, तुझे लगी तो नहीं? मैं तो ठीक हूँ, तेरा हाथ कैसा है? मेरा हाथ तो ठीक है भाई, प्लीज तू ये बात घर पे किसी को मत बताना, वरना तुझे तो पता है ना पापा मेरी स्कूल छुड़वा देंगे। हाँ मगर ये लोग तो हर रोज रोज परेशान करेंगे, हम कब तक छिपे बैठेंगे? प्लीज भाई तुझे मेरी कसम है, तू ये किसी को मत बताना। चल ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चलो भाई थोड़ा तो जल्दी चल, आज हम फिर तेरी वजह से लेट हो जाएंगे। नहीं नहीं आज तुम टाइम पे पहुंच जाएंगे। ओए ओए रोन, ये वही लड़की है ना जिसे तू लाइक करता है? हाँ यार है तो वही। तो आज सही मौका है, तू इसे अपनी दिल की बात बोल दे।
नहीं यार, कहीं वो गुस्सा हो गई तो स्कूल में जाकर प्रिंसिपल को बोल दिया तो मेरी कुटाई पक्की है। अबे फट्टू तू बोल तो सही, तेरा भाई है ना तेरे साथ, कुटाई खाएंगे तो दोनों साथ खाएंगे। चल चल। हाय प्रिया। हाय रोहन। यार प्रिया मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो ना। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या मेरी फ्रेंड बनोगी? फ्रेंड या फिर और कुछ? फ्रेंड से थोड़ा ज्यादा, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तुमसे जरा सी मुस्कुरा के बात क्या कर ली, तुमने तो अपनी हद ही पार कर दी। वाह प्रिया वाह, इतना गुस्सा और इतनी हिम्मत। ये आग, ये गुस्सा और हिम्मत कल दिखाई होती ना, जब वो कमीने लड़के तुम्हें छेड़ रहे थे, तब कहाँ चली गई थी तुम्हारी हिम्मत? तुम नहीं समझोगे, मैं एक लड़की हूँ, लड़की, और मेरी कितनी मजबूरियाँ हैं। सॉरी प्रिया, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, बस कल जो वो सब देखा तो। चल यार प्रिया की हेल्प करते हैं। नहीं यार रुक। क्यों डर गया क्या? नहीं डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं, मगर हम इनकी ऐसे कब तक और कहां कहां मदद करते रहेंगे? तो फिर कोई प्लान है क्या तेरे पास? हाँ है एक प्लान। हम तो बस इतना चाहते थे कि तेरे अंदर उन कमीनों से लड़ने की हिम्मत जगा सके, अब उसके लिए रोहन ने तो थप्पड़ भी खा लिया। सॉरी रोहन। इट्स ओके, बस तुम थोड़ी सी हिम्मत तो दिखाओ, बाकी तो हम देख लेंगे। अब तो कार भी ले आया हूँ, अब तो बैठ जाओ मेरी जान। भाई प्यार भी कितने खर्चे कराता है ना। ओए सस्ते मजनू, पहले गाड़ी को आग लगाऊं या फिर पुलिस को कॉल करूं? अबे कौन है बे तू? तू होगा सस्ता मजनू? वो तो अभी पता चल जाएगा। अरे साले मैं बताऊं तेरे को। भाई प्लीज यार, भाई भाई यार प्लीज माफ कर दो यार भाई प्लीज। माफी मुझसे नहीं, इससे मांगो। सॉरी बहन, प्लीज हमें माफ कर दो, हम आपको आगे से कभी परेशान नहीं करेंगे। अब आपको बहन ही मानेंगे और आपको ही क्या, हम पूरी दुनिया की लड़कियों को बहन ही मानेंगे। हाँ ठीक है चलो निकलो, बहुत हो गया तुम्हारा। यार अब थप्पड़ मत मारना, बहुत जोर से लगती है। Thank you.